हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ बच्चों, कल आप लोगों को एक सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस हुए थे। आज पार्ट ए का सेक्शन टू करने जा रहे हैं। ये टर्म टू के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं एक सैम्पल पेपर में, तो हम लोग आज इनको डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन टू में जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेटा दिया होता है जो आप लोगों को रीड करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रोहन के पास 5 कॉइन्स हैं और वो उनको साइमल्टेनियसली टॉस करता है। टोटल 250 टाइम्स वो टॉस करता है। कुछ आउटकम्स उसके आते हैं, जैसे 5 कॉइन्स को टॉस कर रहा है तो 5 टेल, 4 टेल एंड 3, 2, 1, और कोई टेल नहीं आता है, सारे हेड आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो गाइज इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, या ई यहाँ पे इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे वो करेंगे कि जो डिजायर्ड आउटकम हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। आपको ऐसे फार्मूला होता है, डिजायर्ड आउटकम जो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम है जो आपसे पूछे गए हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाता है तो रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम जो उसके पूरे हैं। टोटल आउटकम यहाँ पे आपको 250 दे रखे हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ये आपके टोटल आउटकम है, ठीक है। डिजायर्ड आउटकम इनमें से कोई भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। देखिए कहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, उसका आउटकम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसका, 50। सो प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू 3 टेल्स की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी है 50 डिवाइडेड बाय 250। ओवरऑल आप इसको कट करते हैं, सो दिस इज 1/5, और इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। तो 2 टेल्स का आप डेटा देख लीजिए, पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि 2 टेल। यहाँ आप ई की जगह 2 टेल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 टेल के लिए आपका जो डेटा आता है वो आ रहा है 35। तो दिस इज 35 डिवाइडेड बाय 250, ओके। आप इसको कट कीजिए 5 से, 5 7 जा और 5 5 जा, ठीक है, 25। सो दिस इज 7/50, ऑप्शन सी। बात करते हैं थर्ड पार्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 टेल्स। एट लीस्ट यानी कम से कम 4 टेल आनी चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, इन सब वर्ड्स को थोड़ा सा गौर से रीड किया करो। नाउ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 टेल्स। तो एटलीस्ट 4 टेल में आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 टेल्स भी हो सकते हैं और 5 टेल्स भी हो सकते हैं। तो 4 टेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपका, 25, एंड 5 टेल की फ्रीक्वेंसी है 45। 25 प्लस 45 आपका क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 250। आपने सम किया तो 4 + 2 = 6 = 7। ओवरऑल दिस इज 7/70/250। 0 से 0 कट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 7/25। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए हो गया है। नाउ पार्ट जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल हो सकता है, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिए, एट मोस्ट 1 टेल। तो एट मोस्ट में क्या क्या हो सकता है, 0 टेल भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल क्या हो जाएगा, देखो एट मोस्ट और एट लीस्ट इनका आपको बहुत ध्यान देना है। एट मोस्ट में आपका जो डेटा आएगा वो 1 टेल और 0 टेल का आएगा। सो दिस इज 65 + 30 डिवाइडेड बाय 250, जो टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी है
वो आपको लिखनी होती है नीचे डिनोमिनेटर में आप डिवाइड करते हो. नाउ आपने सम किया, सो दिस इज 95 डिवाइडेड बाय 250. अगेन 5 से कट कर लीजिए, 5 वन ज़ा 5 एंड 9 डिवाइडेड बाय 5, 5 ज़ा 25, सो दिस इज 19 अपॉन 50 और आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. ओके, नाउ लास्ट जो है आपका गेटिंग नो हेड. अब देखो आपको जो डेटा दिया हुआ है बेटा वो गेटिंग नो हेड दिया हुआ है, आपको इसमें कोई भी हेड नहीं आना है, बट आपको जो भी डेटा दिया उसमें तो हेड का जिक्र ही नहीं है. तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट पार्ट है, थोड़ा क्रूशियल है. ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड मतलब ऑल टेल्स, इज दैट क्लियर? कोई हेड नहीं आ रहा है, यानी कि अगर कोई हेड नहीं आ रहा है तो पांचों बार जब उसको साइमल्टेनियसली टॉस किया गया तो आपको क्या मिले, पांचों टाइम में टेल मिल रहा है. तो आपका इसका जो आउटकम है जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी 45 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जहां पे मैंने ई इवेंट लिखा है वहां पे ये जो इवेंट मैंने अंडरलाइन की है इन सब की, इसको भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं तो भी आपका हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, तो उसके लिए आपके 5 है. सो दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 250, अगेन इसको कट कीजिए, कितना आ रहा है 9 एंड ये आपका हो जाएगा 50. सो ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 9/50 एंड ये हो गया आपका डी पार्ट. तो होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा. देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग वर्डिंग्स जरूर लिखें, वर्ड जरूर लिखिएगा. अगर आप लोग वर्ड नहीं लिखते हैं तो शायद आप लोगों को डायरेक्ट आंसर प्रेजेंट नहीं करना है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके नाउ अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है. देखिए पार्ट बी सेक्शन 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पी वाई इज इक्वल टू, आपका सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको जीरो फाइंड करना है इसका. जीरो फाइंड करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, टू फाइंड द जीरो आप पी वाई इक्वल टू जीरो कर दीजिए. सो दिस इज वाई अपॉन 64 माइनस वन, वाई अपॉन 64 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वन उस साइड ले जाते हैं तो आपका ये हो जाएगा वाई वन अपॉन 64. सो वाई इज इक्वल टू 64 और इसका जो एक जीरो होगा वो 64 होगा एंड दिस इज योर आंसर. ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा किए देता हूँ, जूम किए देता हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सकें. इन द गिवन फिगर एंगल आपको दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया है यहाँ देखिए, ये एंगल आपको दिया हुआ है और आपसे उन्होंने पूछा है एंगल ए ओ सी, मतलब आपसे ये एंगल उन्होंने पूछा है. देखिए यहाँ पर एक सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि आर्क ए सी आपकी क्या हो गई है, आर्क ए सी आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी और वो सर्कमफेरेंस के बाकी किसी भी पॉइंट पे दूसरा एंगल सबटेंड करती है, तो इनमें एक रिलेशन होता है. ऑलवेज रिमेंबर कि सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होगा वो बाकी कहीं भी एंगल बन जाए, जैसे सपोज दैट यहां बना दिया, ठीक है, या फिर इधर बना दिया, कहीं भी एंगल आपने बनाया तो सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा डबल होता है रेस्ट किसी और पॉइंट पे बने हुए एंगल के. तो ओवरऑल आप यहां ऐसे समझ लीजिए कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी और सी. ठीक है, इस थ्योरम को थोड़ा सा ध्यान से मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूं कि एंगल ए बी सी हाफ होगा एंगल ए ओ सी का, या इसको रिवर्स तरीके से भी समझ सकते हैं कि एंगल ए ओ सी हमेशा डबल है किसका,
एंगल ए बी सी के लिए। ए बी सी आपको दिया हुआ है 2 × 15 degree, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 30 degree, एंड यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाउ देखिए अगला क्वेश्चन। ओहो, ये क्वेश्चन हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, रीड करते हैं। इसमें दो पार्ट हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा सा स्पेस मैनेज किया है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए मैं जो फर्स्ट पार्ट है ये कर रहा हूँ सॉल्यूशन, सेकंड वाला अगर आप लोग करना चाहें तो सेकंड वाला भी कर सकते हैं, मैं दोबारा करवा दूंगा। नाउ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ दिस। देखिए आपको दो सिलेंडर दिए हुए हैं, ठीक है, आप दोनों सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट एक सिलेंडर आपका ये हो गया और दूसरा सिलेंडर आपने, सिलेंडर की जगह कुछ और बन गया है, आप एक सिलेंडर बनाते हैं, तो ये एक सिलेंडर हो गया और दूसरा एक सिलेंडर में थोड़ा सा ऐसे ही डायरेक्टली बनाए दे रहा हूँ। आप लोग अगर पेपर में बनाए तो थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करिएगा, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ देखिए फर्स्ट जो सिलेंडर है इसका एक का जो रेडियस है वो आर टू ले लीजिए और इसका रेडियस आर वन ले लीजिए। तो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, ये आर वन अपॉन आर टू दोनों का रेशियो है 2/3, एंड इसकी जो हाइट है वो एच वन है और इसका हाइट है एच टू है, तो एच वन अपॉन एच टू इनकी हाइट का रेशियो 5/3 है। अब उन्होंने आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ दी, सी एस ए पूछा हुआ है दोनों सिलेंडर्स का। तो देखिए सी एस ए ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सी एस ए वन एंड सी एस ए टू, इन दोनों का जो रेशियो निकालना है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, सी एस ए क्या होता है 2πr, देखिए 2πr फर्स्ट सिलेंडर है आर वन एच एच वन डिवाइडेड बाय 2πr2 h2, 2π से 2π आपका ऑब्वियसली कैंसिल होता दिख रहा है, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ देखिए आपको रेशियो दिया हुआ है, चाहे तो आर वन आर टू की वैल्यू निकालने के बाद उसको k एज्यूम करिए एंड ऑल कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपका आर वन आर टू को अलग कर दीजिए, एच वन एच टू को अलग कर दीजिए, प्रोडक्ट में है, कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया आपका 2/3 × यहाँ पे आपका डेटा आ गया 5/3, ओके 2/3 एंड 5/3, ओवरऑल आपका ये आ जाएगा 10/9। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोनों के बीच में क्या रेशियो है दोनों के सी एस ए में, तो ओवरऑल आपका जो रेशियो हो जाएगा वो 10/9 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं ऑप्शनल जो दूसरा पार्ट है उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं नीचे किए देता हूँ। ठीक है, देखिए ऑप्शनल जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि अ राइट ट्रायंगल हैविंग साइड्स, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जो ट्रायंगल है वो आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, चेंज कर ही देते हैं इसकी पोजीशन को। तो देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको इस ट्रायंगल में जो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दी हुई हैं। देखिए ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल किसी भी उस पर हो सकता है। सपोज दैट मैंने इसको ए बी सी कंसीडर किया हुआ है, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, इसमें एक साइड 10 है, तो ऑब्वियसली जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको ये 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब वो आपसे कहें इनके रिवॉल्व अबाउट साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो रिवॉल्व जिस साइड के अराउंड रिवॉल्व किया गया उसको आपको 8 सेंटीमीटर करना है, तो आप इसको 8 सेंटीमीटर कर दीजिए, ये 6 सेंटीमीटर कर दीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम यहाँ पे अब हमें करना क्या, देखिए इसको जब रिवॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, तो घूमने के बाद ये एक शेप बनाएगा और जो वो शेप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिवॉल्व दिस 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 7 राइट एंगल फाइंड, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, ओवरऑल
क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो अब डायग्राम आपने बना लिया है तो देखे लेते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एल है स्लैंट हाइट वो आपकी 10 सेंटीमीटर हो रहा है, रेडियस जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर हो रहा है, और जिसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है वो तो वो आपका 8 सेंटीमीटर है। तो बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है कि आपको क्या करना है, 22/7 रखना है या 3.14 करना है, क्योंकि 7 का कोई मुझे मल्टीपल दिख नहीं रख रहा है इसलिए मैं 3.14 ही रखे ले रहा हूँ। नाउ आर का वैल्यू आप यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए, सो 6 का होल स्क्वायर और एच की जगह आपका होगा 8। ओके, नाउ 3 से आप कट करने के लिए इसमें 6 के एक पार्ट को कट कर सकते हैं, अभी फिलहाल लिख लीजिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, इस 3 से आपने कट किया 2 टाइम्स। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 3.14 इंटू 6 टू द 12 इंटू 8। ओके, सो देखिए अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा, 3.14 इंटू 12 8 जा, ठीक है मैं, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस मैनेज किए लेते हैं। नाउ रफ वर्क कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कहूँगा एक साइड कॉलम बनाइए, साइड कॉलम बनाने के बाद ही आप रफ वर्क करें, इंटू 96 24 टू कैरी 6 मतलब 6 7 8 और 18। ओके, नाउ 9 से क्या, 9 छक्के 36 3 9 10 11 12 12 1 कैरी और 9 3 27 1 28। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 4 4 एंड 10 1 11 1 कैरी 0 3। ठीक है, चूंकि आपने डेसिमल प्लेस करना है तो ओवरऑल आपका ये आ गया 301.44। वॉल्यूम है तो आपकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्वियसली एक चीज़ बताना भूल गया, आप लोग इसको कट कर डिवाइड कर सक, मतलब इसको आपको क्रॉस करना होगा, क्योंकि रफ वर्क कभी भी खाली मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये सेक्शन 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है इस सैम्पल पेपर का, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।